ये बस और राजेंद्र जी ऊपर आ जाओ बस ठीक है। ले जाओ ए नहीं नहीं रुको क्या ले जाओ तेरा हो गया ये दिनांक 14/8/2019 को एक कैलाश ग्रुप सन ऑफ रामदेव गुजर ने थाने पे उपस्थित होकर इतला दी कि साहब मेरे ससुराल पक्ष के जो लोग हैं मेरे साले विजय और उसकी मेरी सासू के विरुद्ध फूलचंद रावत की औरत रेखा रावत ने मुकदमा दर्ज कराया अपहरण और डकैती और छेड़छाड़ का जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें ये लोग हमारे से संपर्क करके हमारे जो दिए हुए पैसे उधार दिए हुए पैसे वो भी खाना चाह रहे हैं। इसके अलावा वो हमारे से उद्यापन करके और पैसे मांग रहे हैं, कभी 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, कभी 12 लाख रुपए मांग रहे हैं और इस रुपए देने के बाद में ये कह रहे हैं कि हम आपके पक्ष में फूलचंद के बयान करा देंगे और इस तरह से तुम्हारा मुकदमा ख़त्म करवा देंगे और हम उनको ये रुपये नहीं देना चाहते हैं। ऐसी इतला प्राप्त होने पर उसके कैलाश रावत और उसके बताए हुए आदमियों के साथ रुपए देके उनको ट्रैप की कार्रवाई के लिए हमने जाल बिछाया तथा प्लेन क्लॉथ में हमारा जाप्ता हमारी टीम 2-3 टुकड़ों में अलग अलग रवाना करके उसकी बताई हुई स्थान पे हम पहुँचे और जब उनको पैसे दिखा कर उनको कहा कि भाई पैसे हम लेके आ गए हैं फूलचंद को बयानों के लिए भिजवाओ तो फूलचंद और उसकी औरत थाने पर बयान देने आई और उन्होंने अपने उसी षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये बयान दिया कि मैं कहीं घूमने के लिए चला गया था और मेरे साथ न तो मेरा अपहरण हुआ और न ही मेरी वैन छीनी गई है। इस जैसे ही उसके वीडियोग्राफिक बयान और ये लेखबद्ध किए उसी दौरान उस टीम ने जो पैसा उद्यापित करके जो लेने वाले थे उन व्यक्तियों को वहाँ गिरफ्तार किया, उनसे जो पैसे जो हमने भेजे थे उनको रिकवर किया और रिकवर करने के बाद में उनको गिरफ्तार करके थाने लेके आए और इनके खिलाफ धारा 384 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया और थाने पर उपस्थित रेखा रावत एवं उसके पति फूलचंद रावत को भी इस षड्यंत्र में शामिल होने पर हमने गिरफ्तार किया। ये ऐसी इसकी आम शोरत है कि रेखा रावत और जो इसका पति फूलचंद रावत है वे लोगों से पैसे लेते रहते हैं ब्याज पे और उसके बाद में ये थानों पर छोटे छोटे परिवार झूठे मोटे परिवार देकर उनको ये पैसा उनका हड़प कर जाते हैं। ऐसी इन्होंने थाने में भी एक आध जगह कोई परिवाद पेश किया था और बाकी बिना परिवाद के भी ये जो मुकदमा दर्ज छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर लोगों से के पैसे ऐसे ही ऐंठते आए हैं।